नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी है 35,247 पे, जो आज का हाई लगाया है 35,314 का, और आज का जो हमारा लो लगा है वो लो लगा है यहां पे हमारा 34,918 का लो लगा के हमने यहां पे आज क्लोजिंग दी है। अभी भी हम इस रेंज के अंदर में ही फंसे हुए हैं और हमारा जो रजिस्टेंस है डेली चार्ट पे वो यहां पे है 35,330-332 का। हमारे पास यहां पे एक छोटा सा रजिस्टेंस है, इसको अगर हम क्रॉस करते हैं तो फिर हम 35,480 इंट्राडे में और उसके बाद 35,650 के आसपास तक हम यहां पे बैंक निफ्टी में जा सकते हैं। लेकिन बैंक निफ्टी अभी भी इस रेंज के अंदर में फंसा हुआ है। जब भी हम इस रेंज को ऊपर या नीचे ब्रेक करेंगे फिर हमारे पास यहां पे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी, कम से कम 800 से 900 पॉइंट अप या डाउन मूव करने के लिए। पहले में देखना पड़ेगा कि हम पहले किस साइड में ब्रेकआउट करते हैं। अगर हमने ब्रेकआउट किया मान लीजिए 36,000 के ऊपर, तो हमारा टारगेट यहां पे 36,837,000 का हो जाएगा। और अगर हमने नीचे की तरफ क्लोज देना स्टार्ट किया तो पहला टारगेट हमारा 34,000 और उसके बाद हमारा टारगेट 33,500 के आसपास का हमारा टारगेट यहां पे रहेगा, अगर जब हम इस रेंज के बाहर निकलेंगे तब। इस रेंज के अंदर में थोड़ा सा आपको कॉशियस होकर ट्रेड करना पड़ेगा, थोड़ा सा समझ के साथ में ट्रेड लेना पड़ेगा, छोटे छोटे प्रॉफिट के लिए ट्रेड लेना पड़ेगा। यहाँ पे आपको बड़ी मूवमेंट आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि मार्केट खुलेगा और 300-400 पॉइंट वन वे दिन के दौरान चलते ही जाएगा, ऐसा नहीं होगा। मार्केट एक मूव देगा, शुरुआती मूव दे देगा, मान लीजिए शुरू के 10-15 मिनट एक मूव दे देगा 200-300 पॉइंट का, उसके बाद वो कंसोलिडेट करने लगेगा, या पहले कंसोलिडेट करेगा बाद में 100-150-200 पॉइंट का मूव देगा उसके बाद कंसोलिडेट करेगा। तो आपको वन वे मूव यहाँ पे अभी नहीं मिलेगी, तो छोटे प्रॉफिट और छोटे लॉस के लिए आपको यहाँ पे ट्रेड लेना पड़ेगा। अब चलिए हम 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। 15 मिनट के चार्ट पे देखिए एक बात कि आज देखिए बैंक निफ्टी ने शुरुआती ओपन हुआ, जैसा कि हमने कल के सेशन में आप लोग को बताया था। कल के सेशन में हमने यही बताया था कि अगर बैंक निफ्टी इसी जगह के आसपास कहीं पे ओपन हो या 35,050 के आसपास कहीं पे ओपन हो उसके बाद निकलेगा तो हम इसको बाइंग करेंगे, अगर नीचे ओपन होता है तो हम यहाँ पे वेट करेंगे कि यहाँ पे रुकेगा उसके बाद निकलेगा तब हम बाइंग करेंगे। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी ओपन होता है, ओपन होने के साथ में थोड़ा सा नीचे आता है और नीचे आने के बाद में जैसे क्रॉस करता है फिर हम यहाँ पे पहुँच जाते हैं 35,270 और 35,300 के बीच वाले रेंज के आसपास हम यहाँ पे पहुँच जाते हैं। और पहले ही मिनट की ही 15 मिनट की कैंडल में ही सारा गेम यहाँ पे ओवर हो चुका, उसके बाद हम इस रेंज के इस दायरे के अंदर में आके हम यहाँ पे ट्रेड करने लगते हैं। देखिए सुबह सुबह मैंने चार्ट पोस्ट किया, सुबह सुबह मैंने आप लोग को लाइव चार्ट भी पोस्ट किया था अपने आर्ट ऑफ ट्रेडिंग वाले चैनल पर। तो जिस सज्जन ने अभी तक हमारा आर्ट ऑफ ट्रेडिंग चैनल ज्वाइन नहीं किया है उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर कुछ चार्ट मुझे अच्छे लगते हैं तो वो चार्ट मैं आप लोग को वहाँ पर लाइव चार्ट में पोस्ट करता हूँ वहाँ पर। और मैंने कुछ इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस भी डाले थे अपने टेलीग्राम चैनल पर, तो अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो हमारा टेलीग्राम चैनल है घनश्याम टेक एनालिसिस, लगभग 119,000 लोग यहाँ पे जुड़े हैं तो आप यहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने सुबह सुबह एक पोस्ट आपको डाला था यहाँ पे, ये डाला था बैंक निफ्टी स्मॉल रेजिस्टेंस 35,280 से लेकर के 35,333, और ये पोस्ट मैंने डाला है 9:33 पे। ध्यान से देखिए 9:33 पे मैंने पोस्ट डाला है। तो बहुत सारे मुझे मैसेज आए सर मार्केट ऊपर चला जाएगा, देखिए ऊपर जाएगा मुझे नहीं मालूम है ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा, लेकिन मुझे ये मालूम है कि अगला रेजिस्टेंस कहाँ है, अगर इस रेजिस्टेंस को निकाल के सस्टेन करेगा तो हम फिर से बाइंग के लिए बैठ जाएंगे। तो यहां पे बहुत सारे लोग ट्रैप होने से बच गए, 280-270 के आसपास जो नई पोजीशन बनाना चाह रहे थे सोच रहे थे कि 400-500 तक जाएगा, तो बहुत सारे लोगों ने मुझे व्हाट्सएप करके बोला कि सर आपने बचा लिया मुझे। तो चीजों को समझिए, देखिए आपको जब तक चीजों को समझेंगे नहीं सीखेंगे नहीं तब तक आप यहां पे एक भी पैसा लेके जा नहीं पाएंगे। ये रेजिस्टेंस मैंने कैसे डिसाइड किया था इसकी वीडियो भी मैंने आर्ट ऑफ ट्रेडिंग वाले चैनल पे बना के डाल दी है, तो वहां पे जाकर के जरूर देख लीजिएगा। और अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो इसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा, यहां पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट लेवल आपको डालते रहता हूं बताते रहता हूं। अगर आपको हमारे प्रीमियम ग्रुप में जुड़ना, देखिए प्रीमियम ग्रुप में मैंने जील की आज कॉल दी थी 9.20 रुपए में और 16 रुपए का इसने हाई मारा था। मेरा टारगेट जो यहां पे था वो था 11 और 13 का मेरा टारगेट था और 16 का इसने हाई मारा। तो अगर आप भी हमारे प्रीमियम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक के जरिए जाके आपको जीरोधा एंजल ब्रोकिंग अपस्टॉक्स रिलायंस ब्लू में से किसी एक में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना है और डीमैट अकाउंट ओपन करने के बाद में आप हमारे प्रीमियम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। अब देखिए मार्केट ने आज एक रेंज बना दी, मार्केट इस रेंज के अंदर में ही ट्रेड करता है। जो हमारा रेजिस्टेंस था 35,333 का, उस रेजिस्टेंस को मार्केट ने यहाँ पे क्रॉस नहीं किया है और मार्केट इस रेंज के अंदर में सुबह आया, उसके बाद फिर से वापस नीचे की तरफ आया, फिर से उसी रेंज के अंदर में चला, फिर नीचे आया और फिर यहाँ पे जाके क्लोजिंग हमने दे दी है। तो यानी मार्केट अगर 15 मिनट का चार्ट आप देखते हैं तो 15 मिनट के चार्ट में आपको दिखेगा कि ज़्यादा बड़ी मूवमेंट हमें मिली नहीं है। कल के सेशन में भी देखिए तो पहली दो कैंडल में गेम होने के बाद में हम एक रेंज के अंदर में फंसे रहे, उसके बाद छोटा सा हमें एक ब्रेकआउट मिला। आज भी हमें पहली दो कैंडल के अंदर में सारा गेम हो गया, उसके बाद हम एक रेंज में फंसे रहे। ऊपर की जो रेंज थी वो मान के चलिए कि 300 के आसपास की थी, नीचे की वाली जो रेंज थी ज़्यादातर वो 150 तो 150 पॉइंट के अंदर में हम बैंक निफ्टी के अंदर में यहाँ पे ट्रेड करते हुए रहे। अब हमारे लिए कल का सेशन इंपॉर्टेंट है, कल किस तरह से हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा। कल का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और मेरे ख्याल से एक अच्छी मूवमेंट मिल सकती है अगर बैंक निफ्टी, ध्यान रखिए
35,000 है, 35,333 के ऊपर निकलता है। मान लीजिए कल बैंक निफ्टी इसी रेंज में ओपन हो जाए, अब कंडीशन पहले सुन लीजिए, आप लोग कंडीशन सुनते नहीं है। इसी रेंज में बैंक निफ्टी ओपन होता है और ओपन होने के बाद मान लीजिए 250-260 के आसपास ओपन होता है और इसको जाके 35,333 के लेवल को क्रॉस करता है तो हम यहाँ पे बैंक निफ्टी को बाइंग करेंगे। ध्यान रखिएगा टारगेट ज़्यादा बड़े आपको नहीं मिलेंगे, तो टारगेट छोटे छोटे आपको लेके चढ़ना पड़ेगा। पहला टारगेट हमारा यहाँ पे रहेगा 35,420 का, 35,420 से 35,480 के बीच में फिर अगला रेजिस्टेंस हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पे अगर हम 480 से 480 के पास, 480 के ऊपर हम सस्टेन करने लगते हैं तो हमारा टारगेट यहाँ पे 580 का होगा, और अगर हम इसको भी निकाल लेते हैं तो हमारा टारगेट यहाँ पे हो जाएगा 35,720 का। ये तीन टारगेट हमारे रहेंगे बैंक निफ्टी में कल के सेशन में। इंपॉर्टेंट है कि कल बैंक निफ्टी इसी रेंज में ओपन हो, ध्यान रखिएगा इसी रेंज में ओपन होने के साथ में निकलेगा तो हमें बहुत अच्छी मूवमेंट यहाँ पे बैंक निफ्टी पे देखने को मिलेगी। ध्यान रखिएगा अगर इस रेंज को नीचे की साइड में ब्रेक करता है तो यहाँ पे आपको बड़ी मूवमेंट नहीं मिलेगी। ध्यान रखिएगा फिर उसके बाद हमारे पास जो सपोर्ट मिल जाएगा वो 950 के आसपास में सपोर्ट मिलेगा, यानी 34,950 के आसपास में हमें यहां पे सपोर्ट मिलेगा बैंक निफ्टी में। तो यहाँ पे आप नज़र बना के रखिएगा, मान लीजिए अगर गैप डाउन ओपन होते हैं या 34,950 34,900 से लेकर के 35,000 के बीच में हम ओपन होते हैं और यहाँ पे अगर हम रेंज बना के जिस साइड में ब्रेकआउट देंगे समझ लीजिएगा 200 से 250 पॉइंट का मूव हमें यहाँ पे मिलेगा। लेकिन कब, जब हम यहाँ पे नीचे आने के बाद यहाँ पे एक रेंज बनाते हैं, रेंज भी थोड़ी देर के लिए नहीं, रेंज कम से कम आधे घंटे की रेंज बननी चाहिए, उसके बाद ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन करेगा तब एक अच्छी मूवमेंट हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी बैंक निफ्टी में। और अगर बैंक निफ्टी मान लीजिए गैप अप ओपन हो जाते हैं हम 35,500 35,450 तो वहां पे आपको प्राइस एक्शन का वेट करना पड़ेगा। कुछ रहेगा तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे आप लोग को अपडेट करके बता दूंगा। ज्यादा बड़ा गैप अप या गैप डाउन ओपन होने के बाद आपको हमेशा प्राइस एक्शन का वेट करना पड़ेगा, यहां पे कुछ बड़ी मूवमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगी। अब ध्यान रखिएगा कि हमें कल ऑप्शन कौन सा लेना है। मान लीजिए अगर कल हम इसी रेंज में ओपन होते हैं, इसी रेंज में ओपन होने के साथ में इस रेंज को हम क्रॉस करते हैं तो यहां पे हम 35,400 की कॉल लेंगे। ध्यान रखिएगा 35,400 की कॉल लेंगे। अगर ये मूवमेंट यहां से मान लीजिए 330 वाली 420 के पास तक भी चली जाती है तो जो 35,000 वाली 400 की जो कॉल का प्रीमियम होगा वो कम से कम आपको 40 से 50 पॉइंट की मूवमेंट यहां पे देखने को मिलेगी। तो ये हमारा टारगेट यहां पे 40 से 50 पॉइंट का हो जाएगा अगर हम इसी रेंज में ओपन होने के बाद इस रेंज को ब्रेक करते हैं तब। अब अगर मान लीजिए हम इस रेंज में नीचे की साइड में हम गैप डाउन ओपन हो जाते हैं 35,000 के आसपास तो यहाँ पे अगर हम कंसोलिडेट करने के बाद में ऊपर की साइड में ब्रेक करते हैं तो यहाँ पे हमें जो कॉल लेनी पड़ेगी वो 35,100 की हमें कॉल लेनी है। ध्यान रखना 35,100 की कॉल लेनी है लेकिन तब जब कम से कम आधे घंटे कंसोलिडेट होने के बाद हम इस रेंज को ऊपर की साइड में ब्रेक करेंगे तब हमारा जो टारगेट होगा वो होगा 35,250 के आसपास का। और यहाँ पर भी हमें 100 से 150 पॉइंट की मूवमेंट का मतलब है कि हमारा जो प्रीमियम होगा वो 40 से 50 पॉइंट हमारा प्रीमियम बढ़ जाएगा 35,100 की कॉल का। ध्यान रखना है हमें कॉल कहाँ पे लेनी है, पुट के लिए वेट करना पड़ेगा। पुट के लिए कुछ रहेगा तो मैं लाइव मार्केट में आर्ट ऑफ ट्रेडिंग वाले चैनल पर आप लोग को वीडियो बना के चार्ट की डाल दूंगा तो उसको आप देखिए समझिए और सीखते रहिएगा। अब आज का जो मैंने बहुत सारे लोगों ने फिर से क्वेश्चन किया था कि सर आपने वो कैसे डिसाइड किया कि वो हमारे पास रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे देखिए मैंने उस वीडियो में बताया, यहाँ पर भी मैं आप लोग को बताता हूँ। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन है। देखिए मैं बार बार आप लोग को बोलता हूँ कि आप मार्केट को मत फॉलो करो, मार्केट को फॉलो करने दो आपको। तो यहाँ पे देखो, तो बार बार मैं बोलता हूँ आप चार्ट को देखो, पहला हमारा ये हो गया पॉइंट, दूसरा पॉइंट ये हो गया, तीसरा पॉइंट बैंक निफ्टी ने जाके इसी जगह पे होल्ड किया पहले सेशन में, इसीलिए हमने रेजिस्टेंस दिया था 35,280 से लेकर के 35,333 इसलिए क्योंकि इस कैंडल जो हमारा प्रीवियस हाई है, इस मूव का जो प्रीवियस हाई निकला हुआ है वो हाई यहाँ पे लगा हुआ है 35,327 का, ये हाई लगा, इसीलिए मैंने जो टारगेट रेजिस्टेंस दिया है वो हमारा रेजिस्टेंस था 35,280 से 35,333 के बीच का हमारा रेजिस्टेंस था। उसी रेजिस्टेंस से मार्केट ने आज होल्ड किया है। देखिए मार्केट उस रेजिस्टेंस को क्रॉस नहीं किया है तो कल जैसे उस रेजिस्टेंस को क्रॉस करेगा हमें यहां पे 100-150 पॉइंट की अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिलेगी जो कि लेके आएगी इस लेवल के आसपास तक लेके आ सकती है बैंक निफ्टी को। तो बैंक निफ्टी पे नजर बना के रखिएगा कल के सेशन में। और अगर आप हमारे प्रीमियम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक के जरिए जाकर आपको जीरोधा, एंजल ब्रोकिंग, अपस्टॉक्स या अलायंस ब्लू में से किसी एक में अपना डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए और डीमैट अकाउंट ओपन करने के बाद में जो लॉगिन आईडी है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर है वहां पर भेज दीजिए। यहां पे एक बात और ध्यान से देखिए कि आवरली चार्ट पर भी ये रेजिस्टेंस है और कंटिन्यू हमने 4-5 घंटे इसी रेजिस्टेंस के पास बिताए हैं तो जब भी इस रेजिस्टेंस को हम क्रॉस करेंगे एक मूव आपको बहुत फास्ट मिलेगा जो कि हमें चाहिए क्योंकि ऑप्शन
के लिए। अगर हम ऑप्शन बायर हैं तो हमें फास्ट मूवमेंट ही चाहिए, तो यहाँ पे आपको एक फास्ट मूवमेंट मिलेगी जो कि हम ऑप्शन बाइंग के लिए सबसे बेस्ट होगी। अगर 35,333 के ऊपर थोड़ी देर सस्टेन कर जाते हैं ना, तो हमें यहाँ पे 100 से 150 पॉइंट की मूवमेंट देखने को मिलेगी बैंक निफ्टी में। तो नज़र बना के रखिए कल 35,333 वाले लेवल पे। नीचे की साइड में आएगा तो नीचे की साइड में आपको सपोर्ट मिलेगा 35,000 पे, 34,900 पे और फिर 34,750, ये हमारे लिए सपोर्ट लेवल रहेंगे नीचे की साइड में। दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।